हेलो। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। वालेकुम तवाल हुदा। आप कौन बोल रहे हैं? अरे हजरत, आपसे यार मैंने कुछ सवाल पूछे थे, आपने जवाब ही नहीं दिया। जी, जवाब दूंगा, अभी वक्त है, बताएं। आपका नाम मैंने जान सकता हूं मैं? मेरा नाम मोहम्मद सुहेल। सुहेल साहब, क्या सवाल है आपका? अरे ये जो देवबंदी है ये परेशान करते हैं। जी, आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? मैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी बरेली से बोल रहा बरेली से बोल रहे हैं। आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? देवबंदी से तो ताल्लुक नहीं रखते हो? हूँ। अरे बता दो दिया, अहले सुन्नत वल जमात। वो भी अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, आप देवबंदी से ताल्लुक रखते हैं? खुल सर करके बोलें, वो, डरे अरे नहीं आप, क्यों? हजरत 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 आप सुन तो लीजिए। देखो पहली बात तो ये फिरका जो है अहले सुन्नत वल जमात ही है। अब मुझे ये नहीं पता वो देवबंदी है या बरेलवी है, मुझे ये नहीं पता। बहरहाल आपको पता कुछ नहीं है, आप अपना सवाल रखें। मैंने ये पूछा, मैं दीन की सारी शर्तें मानता हूँ, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा अहमद रजा खान साहब की किताब पढ़ी है, उसमें थोड़ा थोड़ा मुझे कुछ ठीक लिखा हुआ नहीं दिखा। तो मैं अगर उनका अकीदा ना रखूं, बाकी अल्लाह कुरान नबी सहाबा नमाज सबका अकीदा रखूं, जन्नत जहन्नुम, तो मैं मुसलमान हूं या नहीं? अच्छा सुहेल साहब, आपने कहा कि आला हजरत के कुछ किताबें पढ़ी हैं, उसमें कुछ ठीक नहीं लगा मुझे। आप कौन सा हाँ ठीक नहीं लगा आपको? अरे अब मैं किताबें लेके तो बैठा नहीं हजरत। नहीं, आप अपना कोई तश्वीश होगी ना कि आला हजरत के मुतल्लिक ये चीज मुझे ठीक नहीं लगी ईमान के बारे में। अरे हजरत मुझे ये, अगर मैं उनको ना मानू, मेरा मतलब ये है अगर मैं उनको ना मानू अपने अकीदे में, बाकी सारा सब कुछ मानू जो दीन में है, तो मैं मुसलमान हूं या नहीं? आला हजरत को कौन मानने बोलता है आपको? मुसलमानों के लिए जरूरी है जरूरियात दीन का मानना, तस्लीम करना। अल्लाह, रसूल, जी अंबिया, सालिहीन जितने भी हैं, कुरान हदीस के फॉलो करना, जी 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 वो जी चीज जरूरियात दीन है और यही चीज जी जी इस्लाम की पहचान है। अब रही जी बात जी के आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अपनी जानिब से कोई बात नहीं कही, वो तमाम बातें अहादीस कुरान मुकद्दस की आयतें पेश की हैं। अगर हजरत इस हजरत बिना हजरत पर, जी, जी जी बोलिए 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 इस बोलिए। बिना पर, यानी कुरान व हदीस जो लिखे हैं और दीन को मजबूत किए हैं, इस बिना पर आला हजरत को नहीं मानता है कि वो इल्म जो कुरान और हदीस का उन्होंने बताया है, इस बिना पर नहीं मानता है, तो वो इस्लाम से खारिज है। तो हजरत मैं तो उस दिन को मानता हूँ जो हमारे नबी ने फैलाया है और सहाबा ने। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, हर 100 साल में एक मुज्तहिद भेजेगा जो जो दीन की तस्दीद करेगा। 14वीं सदी के मुजद्दिद हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी है, जो गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई कह रहा था जैसे देवबंदी हजरात के अल्लाह झूठ बोल सकता है, उस पर कुफ्र का फतवा किया। जो कह रहा था रसूल पाक अरे सल्लल्लाहु अलैहि, हजरत, जी हाँ बोलिए बोलिए हजरत। देखो मुझे इन चीजों को नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो खामोखा आप इधर उधर ना जाइए ना, मुझे सीधा सीधा बताइए। अगर मैं ना मानूं उनको तो क्या हूं मैं? अगर आला हजरत को, मैं तो बताया ना, अगर आला हजरत को आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं। अगर उसके तालीमात जो कुरान और हदीस में तालीमात दिए हैं उस मसले को नहीं मानते हो, जैसे कुफ्र का फतवा दिए हैं, फतवा जात जैसे दिए हैं, अल्लाह और रसूल को झूठ बोलने पर ये लोग देवबंदी हजरत मानता है, जैसे कि कासिम नानुतवी तस्फियतुल अकाइद में लिखा सफा नंबर 24 में, नबी का झूठ से पाक और मासूम होना जरूरी नहीं,
लिखा है बिलजुमला अलल उमूम किज़्ब को मुनाफी शान नबुवत बईमाना समझना कि ये मासियत है और अंबिया अलैहिस्सलाम मासी से मासूम है खाली गलती से नहीं। बताइए अंबिया अलैहिस्सलाम भी झूठे और अल्लाह तबारक व तआला को जो झूठा कहता है उस पर कुफ्र का फतवा आला हजरत लगाया है, इस बिना पर आला हजरत को नहीं मानता है तो वो मुसलमान ही नहीं रहेगा, समझे? तो हजरत अब आपका कहने का मतलब यह है कि मैं मुसलमान नहीं जी, इस बिना पर जैसे कुफ्र का फतवा आला हजरत ने लगाया जो कहता है अल्लाह रसूल झूठ बोल सकता है, बोलता है बल्कि बोल चुका जैसे कि साजिद खाइन। मैं नहीं बोलता, मैं जी नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, ये मुझे ना बताएं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं बोलता। मैंने आपसे सीधी एक बात पूछी, नहीं कुरान नबी सहाबा जन्नत जहन्नम। देखिए देखिए सुहेल साहब देवबंदी वो होता है जो रशीद अहमद गंगोही की पैरवी करता है, अगर वो इत्तबा ना करे, नबी के तो इत्तबा नहीं दावा किया कहीं पर भी, लेकिन ये इत्तबा सोहबते बाउलिया में लिखा है सफ़ा नंबर 172 में कि रशीद अहमद गंगोही कासिम नानतवी की इत्तबा करता है, वही देवबंदी है, और जो देवबंदी अकाबिर से मुखालिफत करे वो देवबंदी नहीं है कह करके लिखता है सुहेल साहब, ये किताबों में मौजूद है। अरे आपको ये पता है कि मैं एक आवाम हूँ, ठीक है, आवाम होती है, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ। उन लोगों का अकीदा ही बातिल है, तो वो उससे निकल करके अपने आप को मुस्तहकम कीजिए, जो आला हजरत ने कुरान हदीस की बात बताई है वो हक है, कुरान की रोशनी में है, अगर उसको नहीं मानता, उसको हक नहीं मानता, चाहे आला हजरत की जात को माने या ना माने वो जरूरी नहीं, उनकी तालीमात को मानना जरूरी है, वही मसला के आला हजरत का लाता है जो अहले सुन्नत व जमात है। जो उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है, अगर मैं उसको मानूं तो मुसलमान हूँ? नहीं, कुरान का तर्जमा जो किया है वो नहीं, तर्जमा की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, कुरान और हदीस की जो बातें लिखी है ना आला हजरत, तालीम दिए हैं दीन का, दीन इस्लाम का, उसको नहीं मानते हैं तो आप इनकार करते हैं, तो आप कुरान हदीस को बज़ाहिर इनकार कर दोगे, और कुरान हदीस का इनकार करने वाला दायरे इस्लाम से खारिज होगा। समझे? तो क्या फतवा लगेगा हजरत जी, जो कुरान और हदीस का इनकार करे वो आला हजरत जो बयान किए हैं तो वो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। मैं तो कुरान और हदीस दोनों मानता हूँ। कुरान और हदीस मानते हैं तो आला हजरत के तहरीरात को आप कुरान और हदीस की रोशनी में ही है सारी तालीमात, तो उसको क्यों इनकार कर रहे हैं आप, किस बिना पर इनकार कर रहे हैं? इस वजह से कि आला हजरत ने जो गुस्ताख था, अल्लाह रसूल के गुस्ताखी करता था, उस पर फतवा लगाया, इस वजह से आप उस पर दुश्मनी उतार रहे हैं? अरे हजरत हजरत मैंने आपसे क्या किया, मैंने ना तो मुझे ये पता कि इधर वालों ने क्या लिखा, ना मुझे ये पता कि इधर वालों ने क्या लिखा, मैंने आपसे सीधा सीधा एक ही सवाल करा है। जी जी, मैंने बात घुमाई नहीं, इस बारे में पूछना चाह रहा था, मैंने थोड़ी सी वजाहत कर लूँ। जी मैं पूरे वजाहत से ही बता दिया आपको कि कुरान और हदीस की तालीमात, सलफ सालिहीन की तालीमात आला हजरत की तहरीरात में आपको मिलेंगे, और वो तहरीरात को जी जी हजरत मैं आपके अपने दोस्त से बात करूँगा। जी जी, वो देवबंदी है, मुझे परेशान करता है। ठीक है, जरूर बात कराइए, मैं वेलकम कहूँगा, लेकिन एक मसला आपको समझा दे रहा हूँ, आपको सुन लीजिए, देवबंदी हजरात का क्या है, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं करूँगा, अभी रमज़ान आ रहा है कल से, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाफिज लोग जो तरावी सुनाते हैं, सुहेल साहब सुनाते हैं ना? जी 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 जी, बोलते रहिए। रशीद अहमद गंगोही लिखता है हाफिजों को उजरत पे कुरान सुनाना हराम है और उजरत भी नाजायज़ है, अजान और अकामत तालीम वाज उसको मुताखिरीन ने बवजह ज़रूरत इस्तिस्ना किया है, यानी अलग किया है, कुरान में कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं जिससे जिसने कुरान सुनाने को अजान पर कियास किया वो गलत है, फतावा रशीदिया सफ़ा नंबर 392-93 में लिखा, और आगे लिखता है तरावी में कलामुल्ला पढ़े या सुने उसकी उजरत देना हराम है, अतवा रशीदिया 393 में।
तो बताइए कि हाफिज लोग अभी जो हदिया लेता है और देता है, रशीद अहमद गंगोही की पैरवी का दावा करता है, अकाबिर के नक्शे कदम पे चलने की दावा करता है, लेकिन वो लोग हराम का पैसा लेता है ना हाफिज लोग। अच्छा अच्छा हजरत एक बात बताइए जरा, वो आपके बात से बात ध्यान में आई है मेरा जी। मैंने फारूक खान रिजवी जो है जी, हाँ फारूक रिजवी, मैंने उनका एक ऑडियो सुना था वो बयान कर। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नबी की बातें और अल्लाह और दीन की बातें बयान करे और वो पैसे ले, पैसे मांगे अपने मुंह से, उस पर क्या हुक्म लगेगा? जो मुकर्रीन हजरात जो होते हैं अब वो किराया पे जाते हैं और उनको बुलाया जाता है, उनसे खुद देते हैं और उन हदिया देते हैं, उस पर कोई हुक्म आयद नहीं है। लेकिन डिमांड करके, यानी मुझे इतना चाहिए, मुकर्रीन हजरात जो गलत करते हैं इतना मुझे चाहिए, तब मैं तकरीर करूंगा, वो गलत होगा, उसको हम तायद नहीं करेंगे। लेकिन अपने खुशी से, जैसे मुकर्रर हजरात किसी को बुलाता है, अपनी खुशी से जो हदिया चाहे वो दे सकता है, उन लोगों के जो फर्ज बनता है उस पर। लेकिन डिमांड करके, जो मांग करके, इतना हजार चाहिए या 20,000-30,000 मुझे चाहिए, तब मैं तकरीर करूंगा, ये वो ओलमा दर हकीकत गलत कर रहे हैं और उसमें गुनाह होगा उसको। लेकिन मैं बताया, लेकिन मैं बताया मसले तो मैं जाहिर कर दिया, लेकिन ये बताया मैं, जितने भी हाफिज देवबंदी सुनाते हैं और हदिया लेना उनको हरगिज किसी तरह से, चाहे वो देने की इरादा से पढ़ाए या ना देने की इरादा से फिर भी दे, वो भी हराम है, कहके फतवा रशीदिया में लिखे हैं। तो इस तरह से हराम कारी में मुबतला है सारे देवबंदी, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं होगी, समझे? तो हजरत मैंने आपका नंबर यूट्यूब से लिया था जी, मैंने सोचा यार थोड़ी सी तसल्ली कर लूं। और एक मसला और सुन लीजिए, अभी रमजान आ रहा है ना, हम आप तरावी कितने रकत पढ़ते हैं? आप तरावी 20 रकत तरावी तमाम अहनाफ के मानने वाले 20 रकत पढ़ते हैं, ठीक जी, जी, जी। लेकिन अगर कोई कहे कि 8 रकत सुन्नत मुअक्कदा है, तो उसके बारे में क्या कहें? गैर मुकल्लिदीन कहते हैं ना, हम लोग 8 रकत तरावी पढ़ते हैं, गैर मुकल्लिद। नहीं नहीं देखो, हमने उलमा से सुना है, मैं सबको सुनता हूँ, 20 20 20, मुझे 20 का बताया, मैंने आपको 20 बताया। हाँ तो सुहेल साहब देखिएगा, मेरे हाथ में बराहीन कातिया है जो खलील अहमद अम्बेटवी ने इसे लिखा है। और जी जी, एक मिनट जरा, वाइफ की कॉल आ रही है, अभी बात कर। नहीं, एक मिनट आप सुन लीजिए, मसले मैं छेड़ दिया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, है ना, एक मिनट ही में खत्म कर दे रहा हूँ मैं, ये बात नहीं, मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, माजरत के साथ। तो बराही ने कातिया जी जी, हजरत मेरी रिकॉर्डिंग पर ना आप यूट्यूब पे ना डालिएगा, देखो मैं आपसे ना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, देवबंदी हजरत क्या कर रहा है। बराहीन कातिया सफा नंबर 8 में तरावी 20 पढ़नी बिदात है, 8 सुन्नत है, कह करके बराहीन कातिया सफा नंबर 8 में, और एक जगह लिखा सुन्नत और सुन्नत मुअक्कदा होना तरावी का 8 रकात तो बइत्तफाक है, बराहीन कातिया सफा नंबर 195 में लिखा, खलील अहमद सहारनपुरी ने रशीद अहमद गंगोही के हुक्म से जमीमा लिखा है मंजूर नुमानी साहब। तो बताइए ये इत्तफाक सारे अहनाफ का 20 रकात है और ये दावा कर रहा है 8 रकात, तो बताइए गलती है कि नहीं ये? मेरी बात तो सुनिए जी जी, मैं नहीं जानता इनको नहीं जानता, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मेरा दोस्त है यार, वो मेरे को परेशान करता रहता है, ये है वो है, वो ऐसे है वो ऐसे है। अच्छा उससे बात कराइएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप आइए हक के तरफ और हक कबूल कीजिए। मैं आपको संजीदा मिजाज पाया, बात करके बड़ी खुशी हुई, और जो इजमा का इजमा जो है अहनाफ में, हनफियों में 20 रकात जो पढ़ते हैं इजमा है इस पर, और इजमा को मुखालिफत करने वाला, दुश्मनी करने वाला, वो इस्लाम से ही हट करके अपना अकीदा बना रहा है गोया के, और एक किताब में मिलती है मुझे जी। मैं एक बार और कर रहा हूँ,
मैं उससे किस टॉपिक पे बात करूँ, किस टॉपिक पे कहूँ उससे कि इस टॉपिक पे बात करो, जिस टॉपिक में चाहे जिस मौजू पे चाहे वो पहले इतला करे मुझे, मैं वक्त बताऊंगा और उसको मैं बताऊंगा, है ना, उसमें बातें होंगी। वो कहता है कि बरेल भी गुस्ताख है, ये है फलाना धमाका, तो किस टॉपिक पे बात करूँ, इनमें गया नूर बशर हाजिर नाजिर, मतलब किस टॉपिक पे? नहीं, जो जो भी खिचड़ा नहीं पकाता हूँ मैं, एक एक मौजू पे बातें होंगी, जैसे इल्मे गैब के मुतालिक बातें होंगी तो इल्मे गैब ही के मुतालिक, हाजिर व नाजिर के मुतालिक बातें होंगी तो हाजिर व नाजिर के मुतालिक, हम अपना अकीदा बताएंगे और उसको साबित करेंगे कुरान हदीस में क्या है और हमारा अकीदा कहाँ से साबित है और सलफ़े सालीन सहाबा से साबित है। लेकिन ये आठ रकात आप तरावी कभी मत पढ़िए, है ना, ठीक है, इसके बाद सुन करके। और ये इजमा है, और इजमा के खिलाफ करने वाले की में देवबंदियों के अल्लामा मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी लिखते हैं, तमाम अहले सुन्नत का इजमाए उम्मत की दलील शरीई मानते आए हैं, इजमाए उम्मत का मुखालिफ बनस्से किताबो सुन्नत दोजखी हैं, कह के तजल्लियात सफदर जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 287 में लिखा, और यही आगे दूसरी किताब में दूसरे छठा जिल्द में लिखा सफा नंबर 179 में, आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमाई फैसलों से इन्हराफ करने वाले को शैतान और दोजखी करार दिया। देखिए ये इजमाई जी, मेरे वाइफ से कॉल आ रही है यार, बार बार आ रही है। अच्छा, इजमाई उम्मत के, अच्छा सुहेल साहब, इजमाई उम्मत के ये देवबंदी अकाबिर जो खिलाफ किया है, ये खुद के फतवे से शैतान भी और दोजखी करार पा रहे हैं, तो ऐसे अकाबिर को लात मारिए, मुसलमान आइए हक की तरफ, मैं दावत दूंगा आपको। अरे हजरत, मैंने आपसे क्या कहा जी, मैं किसी के बड़ों को नहीं जानता, मैंने सिर्फ आपसे जो कहा आपने उसमें मुझे तसल्ली दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, आप किसी से बात कराइए, है ना, जो परेशान करता है उससे बात कराइए और हक समझने की कोशिश कीजिए, आप इस जिंदगी में ही समझेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम।